आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। हरगांव सहकारी गन्ना समिति के संचालकों ने अध्यक्ष हरीश मिश्रा के खिलाफ विभिन्न आरोपों को लगाकर आज जिलाधिकारी को अविश्वास प्रस्ताव व्यक्त किया है। समिति के लोगों का आरोप है कि अध्यक्ष ने अपने पद के चलते फर्जी किसानों के नाम से सट्टे बनवाकर उनसे पैसे वसूलने का कार्य किया है। संचालकों ने अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से अध्यक्ष पर गन्ना मिल से जबरन पर्चियां निकलवाकर दलालों को मुहैया कराने का आरोप लगाया है। हरगांव गन्ना समिति के 13 संचालकों में से 8 संचालकों ने अध्यक्ष के खिलाफ जिलाधिकारी को अपना शपथ पत्र देकर अविश्वास व्यक्त किया है। संचालकों ने अध्यक्ष के ऊपर मिल और मिल के कर्मचारियों के ऊपर जबरन दबाव बनाकर कार्य कराने का आरोप भी लगाया है। 8 संचालकों को शपथ पत्र मिलने के बाद जिलाधिकारी ने गन्ना अधिकारी को पूरे मामले की जाँच सौंपी और जल्द इन शपथ पत्रों की जाँच कर आख्या देने की बात कही। गन्ना अधिकारी का कहना है कि हरगांव गन्ना समिति के अध्यक्ष संचालकों ने अविश्वास प्रस्ताव के तहत शपथ पत्र दिए हैं, इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी, आरोप सिद्ध होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हम लोग डीएम कार्यालय में आए हैं और गन्ना समिति चेयरमैन श्री हरीश मिश्रा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए आए हैं। उन्होंने सपा सरकार में सत्ता के दम पर जो है ये पद हासिल करा था और जिसके सभी डायरेक्टर सभी संचालक उस समय से ही इनके खिलाफ थे, लेकिन सत्ता के दबाव के चलते कुछ कह नहीं पाए थे और उनकी हमेशा से दल बदलू की छवि रही है। तो अब हम उनके खिलाफ आए हैं, सभी आवाज़ एकजुट करके आए हैं। हमारे पास 8 सदस्य हैं और हम उसके साथ पूरे बहुमत के साथ जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। मकसद है हमारे हरगांव गन्ना समिति के चेयरमैन जो है वो उन लोगों से हमारा वोट सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं, जिसके विरोध में हम लोग अविश्वास प्रस्ताव डीएम के सामने देने आए हैं। कितने लोग आप लोग? 8 लोग हैं। क्या मामला है जिस पर आप लोग? हम लोगों की ये मामला है कि जो बोर्ड है, बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो मनमाने तरीके से अपना काम करते हैं, हमारे बोर्ड की कोई सहमति नहीं देते, मनमाने के तरीके से अपना बोर्ड चलाते हैं। डीएम साहब को दिया, उन्होंने उसके लिए अधिकारी नियुक्त किया है और कहा जल्दी से उनकी कार्रवाई होगी। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लॉग इन करें www.खबरों की दुनिया.com।